दोस्तों, कैसे आप लोग? आप देख रहे हैं राहुल फिटनेस ऑफिशियल। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दे दूं। मैं 3-4 दिन से बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा था, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। अब तो दिवाली का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों के पास जाना और लोगों को दिवाली देनी तो खैर लेनी ही पड़ती है, हमारे को देनी तो बहुत कम पड़ती है, तो उसमें बिजी था। इस वजह से मैं वर्कआउट आपको वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रही थी मेरी। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा वो चल रहा था ना, अभी सीरीज चल रही थी फैट लॉस की, इसमें एक एक्सरसाइज मैं डाल चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब हम डाइट के ऊपर काम करें। तो सबसे बड़ी जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप वर्कआउट तो कर लोगे, लेकिन जब तक आप डाइट आपकी प्रॉपर हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट नहीं होगी, फैट लॉस आपका नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने सोचा इसलिए मैं पहले डाइट पर काम करते हैं और आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे और वर्कआउट तो आप कर ही लोगे तो डेफिनेटली आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको डाइट के बारे में बता दूं, जो मॉर्निंग में जिम जाते हैं या इवनिंग में। तो दोस्तों, फैट लॉस के लिए मैं आपके लिए डाइट लेके आया हूं। तो करना क्या, आपको 5 से 6 मील लेनी है पूरे दिन में, लो कार्ब हाई प्रोटीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे तो एप्पल साइडर विनेगर 2 स्पून ले लेना, 200 ml वाटर में, उसका फ्रेश हो गया आपकी फर्स्ट मील होगी। आप पोहा यूज़ कर सकते हो, ओट्स ले सकते हो 30 से 40 ग्राम, 4 से 5 एग वाइट, ठीक है, सैलेड और 1 कप ऑफ ग्रीन टी, ये आपकी फर्स्ट मील है। सेकंड मील आप 2 से 2.5 घंटे बाद, ब्रेकफास्ट कह लो या लंच कह लो, ठीक है, 2-2.5 घंटे बाद आपकी वो सेकंड मील होगी, जिसमें आप क्या करो कि थोड़े से फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट्स हो गए आपके, और आप मूसली यूज़ कर सकते हो, उसमें मूसली के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के उसको यूज़ करो, इसमें प्रोटीन और फाइबर आपको पूरा मिलेगा। ये हमारी सेकंड मील है। थर्ड मील आपका लंच हो गया। लंच में आपको करना क्या है, 100 ग्राम राइस लेने, ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन राइस लो, अगर वाइट है तो वो भी चलेंगे, और आप उसमें दाल या घर की कोई भी सब्जी बनी हो आप उसको यूज़ करो, और 100 ग्राम चिकन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको चिकन नहीं मिले तो पनीर ले लो, क्योंकि प्रोटीन भी उतना ही चाहिए जितना हमारे को काब चाहिए। काब कम ले सकते हैं लेकिन प्रोटीन हाई रखोगे तभी फैट लॉस होगा आपका। तो ये हमारी थर्ड मील है लंच की। फिर इसके बाद आ जाती है 2 से 2.5 घंटे बाद हमारी फोर्थ मील। दोस्तों, अब आता है हमारा इवनिंग स्नैक्स, चौथी मील, जिसमें आपको करना क्या है कि ग्रीन वेजिस वगैरह काट लो आप, और 4 से 5 अंडे की ऑमलेट ब्राउन ब्रेड के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसको खा के, ठीक है, जिसमें आपको अच्छी मात्रा में आपको फाइबर और प्रोटीन मिल जाएगा। ये हमारी चौथी मील है। और वर्कआउट से पहले आप ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी पी के वर्कआउट करने जाओ। वर्कआउट की ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आपके पास कुछ है सप्लीमेंट्स वगैरह बी सी वगैरह तो आप उसको यूज़ करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, पानी भी पी सकते हो आप, ठीक है। और आफ्टर वर्कआउट आप 5 से 6 एग वाइट या 200 ग्राम चिकन ले लो, जिससे आपकी बॉडी की रिकवरी हो जाए। और डिनर में नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल दाल बॉयल वगैरह उसको आप यूज़ करो, जैसे बॉयल्ड दाल होगी, घर की कोई हरी सब्जी बनी हुई है वो खा लो, बस रात को काब नहीं खाना आपको। और बिफोर बेड मिल्क ज़रूरी है हमारे जो बॉन्स के लिए, हड्डियों के लिए, ठीक है ना। तो ये चीप एंड बेस्ट डाइट है, ये आप इजीली कैरी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं आपको अलग अलग चीज़ खरीदने की, आपको थोड़े से पैसों में पूरी डाइट आप पूरे दिन की कैरी कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से लेना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, आप इसको फॉलो करो, रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैं भी अपनी डाइट में खुद ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, बस मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है चीज़ों की, जैसे कि मैं प्रोटीन खाता हूँ या मैं अंडे खाता हूँ तो 8 से 10 खाता हूँ, अगर मैं चिकन खा रहा हूँ तो 200-250 ग्राम चिकन में 3 से 4 बार खाता हूँ, बस आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो फैट लॉस डेफिनेटली होगा, और बहुत बढ़िया डाइट है। मैं जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे जिम के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, आप भी करो, फैट लॉस हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वर्कआउट दोनों ही कर सकते हैं, जैसे जो मॉर्निंग में वर्कआउट करता है वो अपना ब्रेकफास्ट लेके ट्रेनिंग कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली पेट जाना है। देखो, हम जिम में वर्कआउट करने जा रहे हैं, हमारे को एनर्जी चाहिए, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ पावर चाहिए, तो बिना ग्लूकोज अगर आप कोई बिना कुछ खाए जाओगे तो इंजरीज भी बढ़ सकती है आपकी, ठीक है। तो ज़रूर थोड़ा बहुत आप खा लो, जिससे आपको ट्रेनिंग में आपको हेल्प मिले, कार्डियो वगैरह आप करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है ना, इंजरीज वगैरह से हम बचेंगे। और जो शाम को ट्रेनिंग करते हैं उनका तो मैं बता ही चुका हूँ कि वो अपना ब्रेड ऑमलेट वगैरह खा के ग्रीन टी पी के ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट जो सुबह मॉर्निंग में जाते हैं वो ब्रेकफास्ट के बाद अपना ट्रेनिंग करो। और चीट मील आप 15 से 20 दिन में एक बार कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि चीट मील बिल्कुल ही नहीं करनी, ठीक है, तो वेट लॉस ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।